और आप देखेंगे कि हॉस्टल हॉल है जो हर गाड़ी में होता है, इसका यूज़ कैसा है वो आज मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को बजाना, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली तो आपको पहले जल्दी मिल सके। चलो आज देखते हैं इसका प्रोसेस। तो अभी इसको हम चेक करेंगे और हमेशा ये हिस्सा जो होता है ब्लॉक के साइड होता है, जहाँ से गर्म कूलन ठंडा होने के लिए यहाँ से नीट पास होता है। तो ये चीज़ जो है ये हमेशा अंदर साइड में रहेगी, ये ध्यान रखना। तो अपन यहाँ पे इसको एक टेम्परेचर देंगे, इस पर लगा देता हूँ। ये पोर्शन को आप ध्यान से देखना, एक धीरे धीरे तुम्हें चालू का टेम्परेचर दे सकते हैं, इसे भी पता चलेगा कि टेम्परेचर ओके है कि नहीं। जैसा टेम्परेचर की इसको कूलर जैसा गर्म लगेगा वैसा ही खुलेगा, ये पूरा खुलेगा आपके सामने। धीरे धीरे खुल ठंड लगे करना, ये पूरा खुलेगा, गर्म जो जाएगा ठंडा बनाएगा, लेकिन भी गंदी हो जाएगा। ये कितने डिग्री तक खुलता है वो भी देखेंगे। एक चीज़ है जो हर गाड़ी में किया होना भी चाहिए, जिसकी वजह से आप इंजन मेंटेन करते हैं, तो ये पूरा खुल जाएगा। ये चीज़ है ठंडा होने के बाद मैं कोई भी करूँगा कि ठंडा होकर, तो यहाँ पे गर्म कूलर यहाँ से निकल जाएगा पास होकर और यहाँ पे ठंडा कूलर आएगा, ऑटोमेटिकली पूरा क्लोज हो जाएगा। अभी इतना अगर इसको ठंडा पानी लगेंगे देखो कितना गर्म है, जैसे ही ठंडा हो जाएगा ऑटोमेटिकली बंद होने लगेगा, ये बंद जा रहा है, क्लोज हो जाएगा पूरा। जा रहा पूरा पानी क्लोज हो रहा है।